उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी की परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई। यह परीक्षा रविवार को होनी थी और इस मामले में अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। आपको बता दें, यूपी टीईटी ने प्रयागराज, लखनऊ, कौशाम्बी, मेरठ से लेकर गोरखपुर और वाराणसी में छापेमारी की और यूपीएसटीएफ ने इस मामले में दो सॉल्वर गैंग के सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका भी दाखिल की गई है। ऐसे में यूपीएसटीएफ ने इस मामले में सबसे ज्यादा प्रयागराज से 16 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें प्रयागराज के नैनी इलाके से सॉल्वर गैंग के सरगना राजेंद्र पटेल और बिहार के सॉल्वर गैंग के 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसी इलाके से आपको बता दें 3 और जॉर्ज टाउन से 5 लोगों को पुलिस ने धर दबोचा है। ऐसे में पुलिस के मुताबिक कौशाम्बी से गिरफ्तार रोशन सिंह पटेल ने टीईटी की पहली पाली का पेपर लीक किया था, जबकि मेरठ से गिरफ्तार मनीष, रवि और धर्मेंद्र ने दूसरी पाली का पेपर लीक किया। इसी गैंग में कई लोग और शामिल हैं जिन्होंने दूसरी पाली के पेपर की 5 लाख में 10 प्रतिक्रियाएं दी थी, फिर इसे 50 हजार में 50 से 60 अभ्यर्थियों को बेच दिया था। तो ऐसे में लगातार कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कल आपको बता दें, यूपी में टीईटी का पेपर होना था लेकिन परीक्षा होने से पहले ही उसे रद्द कर दिया गया, क्योंकि परीक्षा का पेपर जो है वो लीक हो गया था। और इस पूरे मामले में लगातार कल से ही जांच चल रही है और अब तक 26 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उत्तराखंड के चमोली के विकास खंड नारायण बगड़ के राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय गैरा बारम में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत समस्त विद्यालय संकुलों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का रविवार को समापन कर दिया गया। ऐसे में राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय गैरा बारम में आयोजित 3 दिवसीय समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रशिक्षण कार्यशाला में समितियों के अध्यक्ष, सचिवों, सदस्यों और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर मरती उर रहमान और विनोद नेगी द्वारा जनता में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकारियों और दायित्वों पर चर्चा कर विभिन्न जानकारियां भी दी गई। तीन दिवसीय संकुल विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण का अंतिम दिवस एवं समापन अवसर है। इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में समस्त SMC के प्रशिक्षणों को विभाग द्वारा पढ़कर आह्वान मॉड्यूल के अंतर्गत यहाँ पर सभी विषयों पर चर्चा परिचर्चा की गई, जिसमें विद्यालय प्रबंध समिति के अधिकार, दायित्व, कर्तव्य एवं MDM योजना, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि बातों पर बात की गई और उनसे चर्चा पर चर्चा की गई। और विभाग द्वारा प्रदत्त जो वीडियो यहाँ पर हमको उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें गोपाल जाएगा स्कूल, कुत्ती, चाय और समोसा, राजकीय विद्यालय मेरा गौरव, सरोवर नगरी नैनीताल में जहां ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है, वहीं नैनीताल के चिड़ियाघर में भी ठंड से बचाने के लिए पशुओं पक्षियों को गर्मी देने के लिए शहद, मांस, चावल की खीर, चने की रोटी और दूध दिया जा रहा है। बाग के लिए गर्म हवा फेंकने वाले ब्लोअर की व्यवस्था की गई है। वहीं नैनीताल के उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान में इन दिनों कड़कड़ाती ठंडी हवाओं के चलते जानवरों को भी गर्म खाना दिया जा रहा है। बेसिकली ये दार्जिलिंग ज़ू से हम एक्सचेंज प्रोग्राम करता है, तो उसमें मैं सेंडसो अथॉरिटी में गया था, तो उधर 3 जानवर, एक मार्खोर फीमेल के लिए और रेड पांडा का एक पैर और तीसरा स्नो लेपर्ड के लिए, सो तीनों जानवर दार्जिलिंग ज़ू से एक्सचेंज करने के लिए एप्लीकेशन दिया। सेंडसो अथॉरिटी ओके भी कर दिया, तो अभी चीफ एलिवर्ट से थ्रू चिट्ठी भी चले गया, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा के चौथे चरण की गढ़वाल मंडल से शुरुआत कर दी गई है और पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल 7 विधानसभाओं बद्रीनाथ, थराली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, श्रीनगर और देवप्रयाग में यात्रा निकालेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए अब काफी कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी प्रदेश
भर में रोजगार गारंटी यात्रा निकालकर चुनावी माहौल तैयार कर रही है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभाओं में रोजगार गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं और इसके तहत आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल, आपको बता दें कि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये रोजगार गारंटी योजना को लेकर उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में यात्रा निकालेंगे। कर्नल अजय कोठियाल जी का जो रोजगार गारंटी यात्रा चल रही है, उसी परिपेक्ष में ये चतुर्थ चरण की यात्रा है जो कि 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। 7 दिवसीय ये यात्रा होगी। 7 दिवसीय यात्रा में कर्नल अजय कोठियाल जी गढ़वाल की 7 विधानसभा सीटों पर इस यात्रा को निकालेंगे, जिसमें 28 नवंबर को बद्रीनाथ, 29 को थराली और 30 तारीख को कर्णप्रयाग, 1 दिसंबर को रुद्रप्रयाग, 2 दिसंबर को केदारनाथ, 3 दिसंबर को श्रीनगर और 4 दिसंबर को देवप्रयाग में ये रोजगार गारंटी यात्रा निकाली जाएगी। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा आए दिन तरह तरह की रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, जहां रविवार को बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा जनपद में ट्रैक्टर रैली निकालकर दमखम दिखाया गया, जिसका शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल द्वारा किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी की ट्रैक्टर रैली को लेकर शामली के किसानों में भारी उत्साह दिखाई दिया, जहां सुबह से ही मेरठ करनाल रोड स्थित बड़ौत नहर पुल पर किसान हजारों की संख्या में अपने अपने ट्रैक्टर लेकर पहुंचने शुरू हो गए थे। वहीं रैली में हजारों की संख्या में ट्रैक्टर देखने के बाद रैली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं के चेहरे भी खिले दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की ट्रैक्टर रैली बड़ौत नहर पुल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए शहर के किसान डिग्री कॉलेज पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने बताया कि सभी जिलों में बीजेपी किसान मोर्चा के द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। ये किसान मोर्चा अपना एक संगठन है भाजपा का, उसकी तरफ से किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन हर जिले में ही किया जा रहा है। उसी क्रम में आज ये शामली जनपद में है, उसी के तहत ये रैली आज आयोजित होकर शामली तक जाएगी और इसका मकसद है कि किसानों को उन योजनाओं के बारे में जो सरकार के द्वारा लाई गई हैं, फिलहाल में चल रही हैं, उनके बारे में अवगत कराना, उसके बारे में उनकी जागरूकता बढ़े, इस नाते से रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, उद्देश्य तो ये है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ट्रैक्टर रैली, बाइक रैली निकालती है और हमारा भी एक पार्टी संगठन का निर्णय लिया गया था कि हम भी एक ट्रैक्टर रैली निकालें और ये सभी जनपदों में हो रही हैं। आज अपने जनपद का समय था इस रैली का, 28 तारीख का। हमारे इस रैली के ट्रैक्टर रैली के मुख्य अतिथि आदरणीय मोहित बेनीवाल जी क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी पहुँचने वाले हैं। और ये भी है कि हम थोड़ा ये भी देखना चाह रहे थे कि लोग कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कह रहा है कि सब किसान हमारे साथ हैं, तो आज वही किसान ट्रैक्टर लेके यहाँ आए हैं जो भाजपा के हैं, जो भाजपा के साथ थे और भाजपा के साथ ही हैं। अब वो पता नहीं किस कौन से किसान उनके साथ हैं जो कहते हैं कि किसान भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाजपा के साथ जो किसान था वो आज भाजपा के साथ खड़ा है। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।